जैन बिहार 14 के बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे परिवार लर्निंग डे में। आप लोगों को इंतजार रहा होगा कि सर आज तो 20 तारीख हो गई है और अभी तक हम लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और सीट मैट्रिक्स भी नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारा पोर्टल खुल चुका है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। आपको जाना है गूगल पे बी सी ई सी आपको सर्च करना है, उसके बाद जो सबसे पहले वेबसाइट आपको दिखेगी वहाँ पे जाकर के आपको सर्च करेंगे और आप उसी डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा जो आप देख सकते हैं बी सी ई सी। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके लिए एक बेहतरीन सी वेबसाइट यहाँ पे है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, ये देख सकते हैं आप। ये आपकी पहली वेबसाइट जो है ये है किसके लिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया गया कि मॉपअप राउंड सीट फॉर डी सी ई सी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 2024, ये भी आ चुका है। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ डी सी ई सी पॉलिटेक्निक, ये देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे जाकर के अपना रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन भरने के बाद उसके बाद आप इसको लॉग इन करके अपना सब कुछ भर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास रोल नंबर भी होगा, पासवर्ड भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया काउंसलिंग हमको कैसे करनी है। और अब मैं बताता हूँ कि मॉपअप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई है उनमें किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को देखने के बाद आप लोग जान पाएंगे कि आप लोग को किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट मिलेंगी और आपकी ब्रांच के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज में, कौन से रैंक में, कौन से ब्रांच मिल सकता है। जैसा मैंने आपको बता रखा है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए खुशखबरी। खुशखबरी क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया 3500+ सीट्स आप लोग की खाली होनी थी, वो आप देख सकते हैं 3879 सीट्स, कितनी 3879, 3879 सीट्स और वैकेंट इन बिहार पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बाद। देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद भी इतनी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। और बाकी अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यूआर की मैं बता रहा हूं कि कितनी है 3879। इस ये जो यूआर है आपका अनरिजर्व रैंक है, इसमें सारी कैटेगरी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टोटल सीट आपको दे रखी है। बाकी आपको मैं किसी भी कॉलेज का जो भी आप कहें मैं उसको आपको दिखाऊंगा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया, यहाँ पे देखेंगे आप। इसके लिए आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 7 सीट्स खाली, टोटल 7 सीट्स हैं। इसमें आपकी जो 3 सीट्स हैं, कितनी, जो 3 सीट्स हैं इसमें, जो आपको 3 सीट्स हैं वो किसके लिए दे रखी हैं, वो आपको एससी के लिए दे रखी हैं, एसटी के लिए यहाँ पे नहीं खाली हैं, तो जो बच्चे एसटी से हैं वो इसको नहीं भरेंगे। और ईबीसी के लिए 3 सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, बीसी के लिए 2 सीट्स हैं। अगर आपको उम्मीद है कि सर मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, तो आप लोग पर्टिकुलर कॉलेज, जैसे आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग आपका प्रेफरेंस है, उसके बाद आप लोग रखते हैं कि सर मुझे मैकेनिकल चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे उसके बाद इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आप लोग इसी प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे आपको सिविल चाहिए तो आपकी जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, रैंक 1 पे ये है, रैंक 2 पे ये है, रैंक 3 पे ये, रैंक 4 पे, ऐसे लेकर के पूरे 20, 30, 35, 40 तक, पूरे जितने भी 41 कॉलेज हैं आप लोग 41 का पूरा बना लीजिए। बाकी गर्ल्स गर्ल्स पॉलिटेक्निक के लिए भी 3 कॉलेज हैं, उसके लिए भी आप लोग लड़कियां आराम से लिस्ट बना सकती हैं। बाकी जितने भी 41 कॉलेज हैं उनमें तो लड़कियों की सीट्स तो हैं ही, ठीक है। बाकी गर्ल्स के लिए भी आपकी सीट्स यहाँ पे दे रखी हैं, आप लोग जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो ई यू आर दिख रहा है, ई एस सी दिख रहा है, ई एस टी दिख रहा है, ये सब उन्हीं के लिए ही दे रखा है, लड़कियों के लिए ही दे रखा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग जीपी बांका देख सकते हैं, जीपी भोजपुर, जीपी बक्सर देख सकते हैं, जहानाबाद। अब मैं ले चलता हूँ जो आप लोगों पे इंतजार था कि सर ये क्या यहाँ पे देखिए जीपी टकरी गया। अब यहाँ पे देखिए इतना अच्छा कॉलेज होने की वजह से भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में एक ब्रांच, एक रैंक, एक सीट खाली है, और जीपी टकरी गया में जिन बच्चों को सीएसई ब्रांच चाहिए वहां पे 2 सीट्स खाली हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 सीट्स खाली, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 11 खाली है, 11। आप सोचिए इतने अच्छे कॉलेजेस में भी इतनी सीट्स खाली हैं, इसका मतलब है आप लोग के चांसेस बिल्कुल सिलेक्शन के बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर आपको सीएसई चाहिए, जैसा मैंने बताया था कि सभी कॉलेजेस में इस बार के पहले, इस वर्ष के पहले सभी कॉलेजेस में सीएसई ब्रांच नहीं थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लेकिन इस बार लगभग सभी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आपकी सीट्स बढ़ी हैं, इसलिए इतनी ज्यादा सीट्स वैकेंट हैं। अब देखिए जीपी वेस्ट चंपारण में भी सीएसई के लिए 6 सीट्स खाली हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे सिविल के लिए 4 खाली हैं, और नालंदा के लिए आप देख सकते हैं, ऐसे भागलपुर के लिए देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी जो भी कितने की ब्रांचेस के हिसाब से कितनी किस कैटेगरी में कितनी ब्रांचेस खाली हैं, कितनी सीट्स खाली हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा होगा, वहां पे आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे आप अपने कलीग के साथ जो भी इस ग्रुप में होंगे उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप देखिए जीपी दरभंगा में सिविल इंजीनियरिंग सीएसई सब कुछ आपको दिखा रखा है, आप इस पीडीएफ को देखने के बाद अपनी सारी सीट्स देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जितने भी अच्छे कॉलेजेज हैं उनको उनकी वरीयता के हिसाब से, जैसे रैंक 1 पे आपको पता है कि गया है,
पटना है, उसके बाद G7 है, G13 है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के गया दिख रहा है आपको, ये सभी जो भी आपके हिसाब से अच्छा कॉलेज आपको लग रहा है, आपके कॉलेज आपके घर से कितने नज़दीक है, सब कुछ आप देख करके अपने हिसाब से इसको कॉलेज को लिस्ट भर सकते हैं। देखिए GP पटना जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में 3 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस में 7 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 4 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 खाली है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली भाई, आप लोग जितने भी बच्चे, मैंने बताया था कि 25,000 तक के रैंक वाले बच्चों को आराम से ये सीट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज ले चुके हैं, जिनको कॉलेज मिल चुका है और वो कॉलेज में एडमिशन करा चुके हैं, वो काउंसलिंग करा चुके हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे अभी तक कहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं लेकिन पार्टिसिपेशन किए थे या अभी नहीं भी किए थे, तो भी आराम से आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक आप आराम से काउंसलिंग करिए, उसके बाद आप लोग का 28 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया हूँ, आप लोग जाकर के सारे कॉलेजेस की लिस्ट दे सकते हैं, ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 511 SC के लिए है, 571 EBC के लिए, ST के लिए 43 सीट्स हैं, फिर 321, 135 ऐसे गर्ल्स कोटा के लिए भी हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जो जैसे ने हम लोग की जो दिव्यांग कोटा है उसके लिए भी यहाँ पे दे रखा है, डिसेबिलिटी कोटा, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको दे रखा है। आप जाकर के इस लिस्ट से के माध्यम से अपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे, उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखने के बाद वही चीज आप अपना आराम से काउंसलिंग करते टाइम पे आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करके अगले पेज पे जाएंगे तो आपको वहां पे कॉलेज की लिस्ट पूरी भरनी होगी, चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप हो गया, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आपका टोटल स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आराम से इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय दोस्तों।